हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं एनके और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस का पेपर जो आज स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। कैसा पेपर आया और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आए और कैसे पेपर को हैंडल करना है, ये आज अपने टॉपिक है। पूरी वीडियो को जरूर सुने, आपके लिए बहुत मददगार होगा। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर होने वाला है तो ये लिए आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के जो पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि मेरी बहुत सारी जो पेपर दे के आए बच्चे उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन के बारे में। और हालांकि मैंने खुद तो नहीं दिया लेकिन मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी पेपर दिए, उनसे मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो दोस्तों जिनका पेपर नहीं हो ना उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है और उनको पहले पता चल जाएगा अभी कि क्वेश्चन किससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उनको पढ़कर जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और एक और बात मैंने पूछी कि आपको पेपर में क्या परेशानी आई, तो जो बच्चे कह रहे थे कि हमने जाते रीजनिंग मैथ की तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, दिमाग की प्रॉब्लम आई उनको। कैसे कि उन्होंने पहले रीजनिंग और मैथ में टाइम ज़्यादा गंवा दिया तो उनके उनका दिमाग वो डिप्रेशन में हो चला गया। उनको ऐसा लगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, पेपर जीके तो पूरा बाकी पड़ा है, पूरा पेपर बाकी पड़ा है, टाइम पूरा गया। क्योंकि ऑनलाइन पेपर में टाइम है वो सामने रहता है इसलिए धड़कन है वो बढ़ती रहती है, जैसे जैसे टाइम कम होता है ना हृदय की धड़कन बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है कि बस माइनस में जा रहा है, बस बहुत अभी टाइम जाने ही वाला है। तो सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है पेपर देते वक्त कि आप जाते ही सबसे पहले जीके का क्वेश्चन करें, जीके का जो पोर्शन है वो ज्यादा करें। सी पोर्शन में जीके आया आज उसको आप जाते ही सबसे पहले करें, क्योंकि जीके में जो आता है वो तो आता है, नहीं आता वो नहीं आता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप फटाफट जीके क्वेश्चन कर लें तो बहुत बड़ा पोर्शन आप कंप्लीट कर ले तो टाइम आपके पास काफी बन जाता है। तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको दिमाग स्थिर रख के करना पड़ता है। रीजनिंग का मतलब यही होता है, अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है तो आप रीजनिंग पर ध्यान नहीं दे पाओगे। क्योंकि पहले आप जाते ही रीजनिंग में लग जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और आपका पेपर है वो आपको बच जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप जाते जीके का पोर्शन करें पहले तो आपका दिमाग है वो एकदम खुला रहेगा कि काफी ज्यादा टाइम पड़ा है, वो रीजनिंग को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। ज्यादा टाइम दोगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। अगर आपने जाते ही रीजनिंग मैथ को पकड़ लिया तो आप पेपर से बाहर हो गए, 100% बाहर हो गए ये मान लो। अगर आपकी फुल पकड़ नहीं है पेपर पर तो आप बाहर हो जाओगे। पेपर को हैंडल करना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ठीक है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पेपर कैसे कंप्यूटर पे कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, सब कुछ आपको तैयार मिलेगा। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा, ये आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो पेपर आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों को टेंशन है कि पेपर कैसे करेंगे ऑनलाइन, हमने तो आज तक किया ही नहीं है, तो कल मैंने एक वीडियो डाला है उसमें आपको एक लिंक मिलेगी वेबसाइट की, उसमें फ्री है बिल्कुल 30 ऑनलाइन पेपर राजस्थान पुलिस के आपको मिल जाएंगे जिसमें आप फ्री तैयारी करके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है और कैसे ऑनलाइन पेपर करते हैं और उसमें आप रिजल्ट भी देख सकते हैं तुरंत सबमिट करके। हालांकि लाइव जो पेपर होगा उसमें रिजल्ट तुरंत नहीं आता, बाद में आएगा, लेकिन जो ऑनलाइन अभी जो फ्री मॉक टेस्ट की जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें आप तुरंत उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हो, कितने कितना टाइम लिया आपने, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो वो बहुत काम की चीज़ आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम में आपको ऑनलाइन पेपर करने के लिए पेपर सेट खरीदने पड़ते हैं, ऑनलाइन पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन मैंने एक वेबसाइट खोज निकाली है flicky.com, उसमें लिंक मिल जाएगी कल वाले वीडियो में, हो सकता है मैं आज वाली वीडियो में वो लिंक डाल दूं। उसमें आपको 30 राजस्थान पुलिस के ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और फ्री में आप करके देख सकते हो, कोई आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि आपका एडमिट कार्ड वो तो आ गया है लेकिन तारीख तो आ गई लेकिन कौन से सेंटर पर है और कितने बजे, ये नहीं आया। इसका एक वजह है, अभी SSC में स्कैम हुआ था ना, SSC का पेपर लीक हो गया, दिल्ली में बच्चे वो आंदोलन कर रहे थे, अभी तो उनकी CBI की मांग वो मांग ली गई है, उनको कितनी परेशानी हुई, पेपर लीक हो गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उससे बचने के लिए पेपर से केवल 5 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपका किस सेंटर पर पेपर है और कितने बजे पेपर है, ताकि आप कहीं सेटिंग नहीं कर पाओ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, अपने आप मेहनती करने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हमारे पास जुगाड़ नामी कोई चीज़ नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी फायदेमंद चीज़ है, ठीक है ना। तो एग्जाम से 5 दिन पहले पहले आप ऑनलाइन तारीख चेक कर लें, कितनी तारीख को एग्जाम है, बाकायदा नीचे दिया हुआ मिलेगा 5 दिन पहले इस तारीख को आपका टाइम और सेंटर का नाम पता चल जाएगा। तो आप वही फाइनल एडमिट कार्ड निकालें, ठीक है ना, 2 एडमिट कार्ड नए निकालें, पहले नए निकालें, उसके बाद टाइम और डेट का आपको पता चल जाएगी, उसमें साथ में आ गया तो ही प्रिंट निकालें एडमिट कार्ड का, ठीक है ना। और आपका आधार कार्ड है वो ओरिजिनल साथ में लेके जाएं, उसकी फोटोकॉपी साथ में लेके जाएं, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो वो साथ में लेके जाएं।
तो पेपर में कंप्यूटर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दें आप, और जाते ही आपको जीके का पोर्शन करना है, ठीक है ना। मेरी सलाह जरूर माननी है, आपको वास्तव में फायदा होगा, और रीजनिंग के लिए काफी टाइम बचा के रखना आपको, ठीक है ना। जीके में बचा पाओगे, आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, टाइम नहीं लगता जीके में। रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम बचाना है बाद में, और आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाएंगे उसके बाद में। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं ना, तो नीचे एक लाल कलर का पट्टी है नीचे, उस पर सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आगे घंटे का आइकन आएगा, उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। आप सबको पेपर की लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जमकर तैयारी करें, और सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहें, फेसबुक यूट्यूब से, ठीक है दोस्तों।